यहाँ पर इस वीडियो में वोल्टेज एसी के साथ जो नया फीचर्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक नया एसी खरीदने वाले हो और अगर आपके पास ऑलरेडी वोल्टास का जो एसी आप यूज कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके जरूर चेकआउट करके देखो। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वोल्टास इसके साथ नया फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्वर्टेबल 5-in-1 कूलिंग मोड को ऐड किया गया है। तो ये जो फीचर्स है जितने भी नया एसी है बिन पुराना एसी में भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली 5-in-1 कॉन्वर्टेबल कूलिंग मोड के साथ आप जो है सिंपली एसी का जो कैपेसिटी है उसे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर रूम में ज़्यादा लोग हैं तो आप जो है 100% कैपेसिटी सिलेक्ट करो, इसमें एसी जो है मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगा एंड काफ़ी फास्ट कूलिंग करेगा एंड रूम का जो टेम्परेचर है जल्दी से रिड्यूस कर देगा। अगर रूम में कम लोग हैं तो एसी का जो कैपेसिटी उसे कम कर दो, 40% कैपेसिटी में सिलेक्ट करो, तब एसी जो है 40% कैपेसिटी में काम करेगा। इससे आपको जो है बेटर एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, जिसके साथ जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम पे करना पड़ेगा। तो ये जो 5-in-1 कॉन्वर्टेबल कूलिंग मोड है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर आपके हिसाब से आप जो है रूम यहाँ पर एसी का जो कैपेसिटी उसे एडजस्ट कर सकते हो, जिसके साथ जो है आपको ज़्यादा अच्छा एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर अगर आप एक 5-star एसी को खरीदते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सही एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वोल्टास का जो एसी है उसमें जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जिसके साथ जो कंप्रेसर है स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन रूम टेम्परेचर। इसके वजह से वोल्टास इसके साथ जो है आपको 5-star रेटिंग के साथ जो है बढ़िया एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगा एंड अल्टीमेटली आपको जो कम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पे करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर स्टेबलाइजर फ्री मोड भी देखने को मिल जाएगा वोल्टास एसी के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है उसे जो है एसी हैंडल करेगा एंड जिसके साथ आपको सही से कूलिंग प्रोवाइड करेगा। बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कोई भी मैन्युफैक्चर का एसी हो आप जो है जरूर से एक्सटर्नल स्टेबलाइजर को परचेस करना, क्योंकि एक्सटर्नल स्टेबलाइजर का जो वोल्टेज का जो रेंज होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल स्टेबलाइजर। तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा जो एक्सटर्नल स्टेबलाइजर है उसे यूज़ करना। जो एसी है उसमें स्टेबलाइजर फ्री मोड है सही है, बट आपको एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर जरूर से यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा वोल्टास एसी के साथ जो है यहाँ पर टर्बो मोड भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आपको जल्दी से रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करना है तो आप जो है टर्बो मोड को एनेबल कर सकते हो। तो टर्बो मोड में एसी जो है मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगा, कंप्रेसर एंड जो फैन स्पीड है मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगा एंड एसी जो है जल्दी से रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस कर देगा। तो अगर जब टेम्परेचर 42, 44, 46 डिग्री या पर टेम्परेचर है तब जो है आप टर्बो मोड को यूज़ कर सकते हो जल्दी से क्विकली रूम को ठंडा करने के लिए। ये जो फीचर्स है सच में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो यहाँ पर टर्बो मोड को यूज़ करना। नेक्स्ट यहाँ पर वोल्टास इसके साथ जो है स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप जो है वाईफाई के साथ भी एसी को कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली स्मार्ट एसी देखने को मिल जाएगा वोल्टास की तरफ से, जिसमें आप जो है फ़ोन को एज ए रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ कर सकते हो। फ़ोन के साथ जो है एसी को कंट्रोल कर पाओगे, एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, फैन स्पीड को एडजस्ट कर पाओगे, अलग अलग मोड को स्विच कर पाओगे, शेड्यूल कर सकते हो, इवन जो एसी कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, जो एनर्जी यूजेस है उसे भी आप जो है चेक कर पाओगे। इस तरह से स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स अवेलेबल है, काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर जो स्मार्ट होम है उसके साथ भी आप जो है ऐड करके वॉइस के साथ भी एसी को जो है कंट्रोल कर पाओगे, जो कि काफ़ी सही। स्लीप मोड के साथ जो है काफ़ी बढ़िया एनर्जी एफिशिएंसी के साथ जो है कंफर्टेबल टेम्परेचर को प्रोवाइड करता है। तो स्पेशली रात को सोने से पहले जो स्लीप मोड इसे जरूर से एनेबल करना, इसके साथ जो है आपको एनर्जी सेविंग प्लस कंफर्टेबल टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा एंड फैन स्पीड भी लो हो जाएगा। एंड स्लीप मोड को एनेबल करने के बाद एसी जो है कम नॉइज़ को प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर लो नॉइज़ देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर वोल्टेज जो है यहाँ पर जो नित्यमी नया मॉडल है उसमें जो है R32 रेफ्रिजरेंट गैस को यूज़ किया जाता है, जिसके साथ जो है यहाँ पर इको फ्रेंडली है प्लस फास्टर कूलिंग प्रोवाइड करता है।
एंड वोल्टेज इसके साथ जो है आप ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। स्पेशली ये जो फीचर से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, यहाँ पर ड्राई मोड देखने को मिलेगा, स्पेशली बारिश के टाइम जब ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है तब जो है आप सिंपली एसी में जो ड्राई मोड है उसे एनेबल कर सकते हो। इसके साथ जो रूम में मॉइस्चर वगैरह रहता है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा एंड ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पर रिड्यूस होकर काफ़ी हद तक कम्फर्टेबल टेम्परेचर देखने को मिलेगा बारिश के टाइम भी। तो आप जो है एसी को बारिश के टाइम भी यूज़ कर सकते हो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर भी देखने को मिलता है वोल्टेज एसी के साथ। इसमें जो है अगर एसी में कोई भी दिक्कत हो, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, मोटर, फैन, सेंसर, तो यहाँ पर एरर कोड शो कर देगा जिसके साथ आप बहुत ही इजीली एसी को जो है यहाँ पर पता कर सकते हो कहाँ पर एसी में दिक्कत है। तो जब भी एरर कोड देखने को मिल रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर एरर कोड को नोट डाउन करके जो टेक्नीशियन के साथ जो है यहाँ पर शेयर करना होगा, तो टेक्नीशियन जो है काफ़ी फास्ट इशू को फिक्स कर सकता है। प्लस यहाँ पर वोल्टेज इसके साथ जो है ग्लो लाइट बटन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर कुछ कुछ मॉडल में जो रिमोट कंट्रोल है उसमें लाइट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, मतलब अगर आप यहाँ पर रात को रिमोट के साथ इसी को एडजस्ट करना चाहते हो तो आप जो है रिमोट में लाइट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर फोर स्टेज फिल्टरेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है जिसके साथ जो भी यहाँ पर डस्ट वगैरह रहेगा जो बाकी पार्टिकल्स है एयर पार्टिकल्स है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा एंड जो इंडोर का जो एयर क्वालिटी है उसमें भी जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर वोल्टेज इसके साथ जो है एडवांस एयर फ्लो कंट्रोल को ऐड किया गया है जिसमें जो बढ़िया एयर फ्लो देखने को मिलेगा रूम के हर एक कॉर्नर में जो है प्रॉपर यहाँ पर एयर फ्लो देखने को मिलता है जिसमें जो है काफ़ी सही से टेम्परेचर रिड्यूस होगा। प्लस यहाँ पर एंटी डस्ट फिल्टर भी देखने को मिल जाएगा वोल्टेज एसी में जो कि काफ़ी सही से काम करता है। एंड आपको पहले भी बताया है यहाँ पर वोल्टेज एसी में जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ जो कंप्रेसर का जो स्पीड है रूम टेम्परेचर के हिसाब से ह्यूमिडिटी के हिसाब से जो है एडजस्ट होता है। अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा है तो कंप्रेसर जो है मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगा रूम टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। जब रूम टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कंप्रेसर का जो स्पीड है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाएगा जिसके साथ आपको काफ़ी सही एनर्जी सेविंग भी देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर बढ़िया कूलिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली वोल्टेज का जो एसी है काफ़ी सही प्राइसिंग में अवेलेबल है। 1.5 टन, 2 टन या पर 5 स्टार, 3 स्टार अलग अलग प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो बजट है उसके हिसाब से आप जो है डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। बाकी अगर आप वोल्टेज का जो एसी है यूज़ कर रहे हो आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा है मेंटेनेंस प्लस या पर मेंटेनेंस के साथ साथ सर्विस कैसा है वोल्टेज की तरफ से आप जरूर से कमेंट करके बताना। डेफिनेटली एरिया टू एरिया डिपेंड करता है सर्विस। एनीवे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड इसके रिलेटेड हमने ढेर सारी वीडियो को अपलोड किया है तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट करके देखो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसबॉल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तो जरूर से चेकआउट करके देखना। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।